वेल दोस्तों, आपको पता होगा कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ने काफी क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर दिया है। अभी दोस्तों, इनमें से बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा होता है जो आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए आपके हिसाब से, तो वो हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा होने वाला है। देखो, काफी यहाँ पे लोगों की अलग अलग यहाँ पे काम होते हैं, कोई यहाँ पे ऑनलाइन परचेज ज्यादा करता है और कोई ऑफलाइन ज्यादा करता है, किसी को ज्यादा कैशबैक चाहिए, तो इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। साथ में आपके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास अभी फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है जो पूरे मैं 1 से 1.5 साल से यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और काफी कुछ ऐसे बेनिफिट मैंने लिया है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। आप दोस्तों यहाँ पे फ्लिपकार्ट की यहाँ पे वेबसाइट पे जाते हो तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे काफी क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड, एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा भी और भी काफी क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाते हैं, न्यू क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक ACA क्रेडिट कार्ड, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। साथ में दोस्तों, इनके चार्जेस के बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बेस्ट क्रेडिट कार्ड बता दूं, इन सभी क्रेडिट कार्ड में से मेरे पास जो मुझे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सही लगे वो लगा दोस्तों यहाँ पे फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, जिसपे दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो तो काफी बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। फ्लिपकार्ट से आप कोई भी परचेस करते हैं तो 5% का आपको इसमें कैशबैक मिलेगा किसी भी दोस्तों परचेसिंग पे, चाहे वो दोस्तों आपका 150 का हुआ, 100 का हुआ, कितने का ही हो, 5% का कैशबैक आपको मिलने वाला है। साथ में दोस्तों, इसमें काफी अच्छे यहाँ पे बेनिफिट दिए गए हैं। वेलकम बेनिफिट इसमें आपको 600 रुपए का मिलता है, जिसमें आपको फ्लिपकार्ट का 500 रुपए का आपको वाउचर मिलेगा, यानी आपको पहले महीने का दोस्तों जो यहाँ पे चार्जेस होते हैं, ज्वाइनिंग फीस जो चार्जेस होता है वो आपको पूरी तरीके से फ्री होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें वन टाइम ही आपकी ज्वाइनिंग फीस लगती है जो दोस्तों 500 रुपए की होती है, और 600 रुपए का दोस्तों इसमें आपको कैशबैक देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों, इसमें अनलिमिटेड आपको यहाँ पे कैशबैक मिलेंगे फ्लिपकार्ट पे, अगर आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं तो। साथ में दोस्तों, इसमें आपको एयरपोर्ट लॉन्च आपको देखने को मिलेगा। और इसकी बात करें चार्जेस के बारे में, तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट के चार्जेस आपको ज्वाइनिंग फीस 500 रुपए देना होगा, साथ में आपको एनुअल फीस आपको यहाँ पे देना होगा 500 रुपए। अभी आप इसके बारे में हम और जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड पे 600 रुपए का जो आपको यहाँ पे कैशबैक मिलेगा यानी कूपन मिलेगा वो दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर मिलेगा 500 रुपए का। अगर दोस्तों आप फ्लिपकार्ट पे कोई शॉपिंग करते हो जाके फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद दोस्तों आपको 15 दिन के अंदर आपको इसका फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर आपके मेल के माध्यम से मिल जाएगा, उसके बाद फ्लिपकार्ट पे जाकर उसको आप क्लेम कर सकते हो। साथ में आपको 100 रुपए का स्विगी पे मिलेगा अगर स्विगी से आप कोई ऑर्डर करते हो। फीस चार्जेस के बारे में बात करें तो एनुअल चार्जेस आपका दोस्तों यहाँ पे 500 रुपए होगा सेकेंड ईयर से। इसमें अगर आप यहाँ पे 3,50,000 का इन्वेस्टमेंट कर देते हो यानी इससे ट्रांजैक्शन कर देते हो तो दोस्तों आपका पूरा यहाँ पे 500 रुपए जो होगा वो आपको माफ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा क्रेडिट कार्ड आता है एक्सिस बैंक का न्यू क्रेडिट कार्ड। न्यू क्रेडिट कार्ड होता है, इसमें मंथली 2 टाइम आपको अप टू यहाँ पे 120 रुपए का ऑफ मिलेगा जोमेटो पे, 5% आपको बिल पेमेंट मिलेगा अमेजोन पे पे, साथ में आपको 10% का बुक माय शो पे आपको मिलेगा, और इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, ज्वाइनिंग फीस बिल्कुल जीरो है और एनुअल फीस भी बिल्कुल जीरो है। अगर इसको आप अभी अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको ना ही कोई एनुअल फीस देना होगा ना ही कोई ज्वाइनिंग फीस देना होगा। इसके अलावा हम और भी इन्फॉर्मेशन इसकी जान ले तो लाइफ टाइम फ्री है क्रेडिट कार्ड आपको मिलने वाला है। जोमेटो में 2780 रुपए का आपको पूरा डिस्काउंट मिलेगा, बुक माय शो पर पूरे 1200 रुपए का। इसके अलावा इसमें काफी कुछ डिस्काउंट दिए गए हैं, मैं आपको इसका पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। थर्ड नंबर पर जो हमारा बेस्ट क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है वो है एयरटेल का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। इसमें दोस्तों अमेजोन ई वाउचर पे आपको 500 रुपए का फर्स्ट कूपन आपको देखने को मिलेगा, यानी ट्रांजेक्शन करने पे 500 रुपए का आपको अमेजोन का वाउचर मिलने वाला है। साथ में 25% आपको कैशबैक मिलेगा एयरटेल मोबाइल ब्रॉडबैंड, यानी दोस्तों 25% का कैशबैक मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आप जो एयरटेल की यहाँ पे थैंक्स ऐप होती है उससे दोस्तों आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे कि थैंक्स ऐप से कोई मोबाइल रिचार्ज करते हो, डीटीएच रिचार्ज करते हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हो, एनीथिंग कुछ भी आप करते हो, तो 25% का आपको वहाँ पे कैशबैक देखने को मिलता है। ये काफी बड़ी बात है, इसलिए दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड सबसे बेस्ट हो जाता है। अभी दोस्तों इसके चार्जेस के बारे में बात करें तो ज्वाइनिंग फीस इसकी दोस्तों 500 रुपए जो आपके दोस्तों पहले ही बार में, यानी आपको दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को आप लेते हो, फर्स्ट शॉपिंग आप करते हो तो फर्स्ट शॉपिंग पे ही आपको 500 रुपए का अमेजोन का वाउचर मिलेगा। तो आपका दोस्तों जो 500 रुपए रहेगा यानी ज्वाइनिंग फीस ये आपको देनी होगी, ज्वाइनिंग फीस आप दे देते तो 500 रुपए का अमेजोन का वाउचर को क्लेम कर सकते हो, ठीक है, यानी आपकी ज्वाइनिंग फीस कुछ भी नहीं लगने वाली है 500 रुपए का, क्योंकि आपको कूपन मिलने वाला है, एक गिफ्ट कार्ड मिलने वाला है अमेजोन का। और इसमें दोस्तों आपको अगर एनुअल फीस भी इसकी दोस्तों 500 रुपए रहेगी ईयरली की, ये आपकी सेकंड ईयर से लगेगी। इसमें अगर आप 2 लाख का दोस्तों इससे ट्रांजेक्शन कर देते हो 1 साल के अंदर, तो आपकी दोस्तों जो 500 रुपए फीस होगी वो आपकी माफ कर दी जाएगी। अगर आप 1 साल के अंदर 2 लाख का ट्रांजेक्शन कर देते हो कोई भी आपको दोस्तों चार्जेस नहीं लगेंगे। तो ये दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन थी। तो आज के इस वीडियो में हम जो अप्लाई करने वाले हैं वो अप्लाई करने वाले एयरटेल का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, तो इसको मैं सिंपल से अप्लाई अभी आपके सामने कर देता हूँ। तो डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे, लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करना है। अगर दोस्तों इसमें आपको एक्सिस बैंक का कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको सिंपल से आप इस वेबसाइट पे जाना है, देन आपको दोस्तों
यहाँ पे नो का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, देन आपका पैन कार्ड नंबर देना है, पिन कोड नंबर देना है, एनुअल आपकी इनकम देना है, साथ में दोस्तों कैप्चा कोड देने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आप दे देते हो, रोन होने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों आपको अप्लाई करने की आ जाएगी, कौन से क्रेडिट कार्ड को आपको अप्लाई करना है। वहाँ पे आपको दोस्तों जो अप्लाई करने का वो यहाँ पे एयरटेल का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, तो उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा फाइनली यहाँ पे चार्जेस वगैरह इस पर आप देख सकते हो, और उसके बाद दोस्तों फाइनली आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर पर जो रजिस्टर्ड ओटीपी आएगी वो ओटीपी आपको सबमिट कर देना है। देन आपको आई एग्री का ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे जाके आपको सिंपल सा रेफरल डाल देना जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देन आपको सबमिट कर देना है। ये सब देने के बाद सैंपल लिस्ट जैसे ही दोस्तों आप दोनों पे टिक करके सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नाम पूछा जाएगा, तो आपको अपना नाम देना है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, डेट ऑफ बर्थ में आपको वो देना है जहाँ पे दोस्तों आपके पैन कार्ड में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे देना है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको नीचे जाना और सिलेक्ट करना है मिसेज अमेस्टर, ठीक है। वो आपको जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिजर्व नाम कार्ड ये सभी आपको देने के बाद आपसे मदर नाम पूछा जाएगा, तो मदर नेम सबमिट कर दीजिए। देन आपको फादर नेम पूछा जाएगा, फादर नेम दे दीजिएगा। मैरिड स्टेटस पूछा जाएगा, तो सिंगल मैरिड जो भी है आपको एंटर करना है, और उसके बाद आप आधार डिटेल्स एंसर रेसिडेंट अगर आप आधार की डिटेल्स के हिसाब से देना चाहते हैं तो दीजिएगा। मैं यहाँ पे आधार डिटेल्स यहाँ पे या रेसिडेंट एड्रेस जो भी आपका है वो सिंपल सा उसके हिसाब से आप जो भी डिटेल्स देना चाहते हैं वो पूरी यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, देन एड्रेस को सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपकी मेल आईडी पूछी जाएगी। इन्फॉर्मेशन देने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे पूरे यहाँ पे थर्ड नंबर पर फाइनेंशियल आएगी जिसमें आपकी सैलरी वगैरह पूछी जाएगी, तो अपना सैलरी एम्प्लॉयड आप जो भी हैं आपको सबमिट कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी सैलरी सेलेक्ट करना है, कितनी आपकी सैलरी रहेगी। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में आपको सेक्टर सेलेक्ट करना है, ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, सेक्टर पूछा जाएगा। ये सब देने के बाद आपको फाइनली नीचे टेंडर जॉब टेंडर वर्क एक्सपीरियंस ये सब देने के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन आप दे देते हो, देन आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों फाइनली आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पे आ चुका है थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट एप्लीकेशन प्रोसीड की रजिस्टर्ड मेल आईडी, उस पर दोस्तों एक लिंक आएगी वीडियो केवाईसी की, इसमें दोस्तों आपको केवाईसी बिल्कुल फाइनली आपको करना होगा, तो उस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं आपको टाइम बता दिया है, उस टाइम के अंदर आपको दोस्तों एक एजेंट आपके कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने के बाद वो आपसे यहाँ पे अपना फोटोग्राफ वगैरह लेंगे और आपके दोस्तों जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पे सेल्फी वगैरह ये सभी दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। फाइनली आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये सभी कंप्लीट करने के बाद फाइनली आपका दोस्तों जो एप्लीकेशन होगा वो रिव्यू में चला जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद दोस्तों फाइनली आपको ईमेल आईडी और आपको मतलब की जो आपकी टेक्स्ट मैसेज है उसमें आपको कुछ दिन के अंदर ही पता चल जाएगी आपके आपको अप्रूवल मिला है कि नहीं। फाइनली अप्रूवल मिल जाता है तो 7 दिन के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड फाइनली बन जाएगा और आपको दोस्तों एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके पहले दोस्तों जब भी आपको बन जाता है फाइनली दोस्तों यहाँ पे एक्सिस बैंक की एप्लीकेशन से इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। सबसे आप दोस्तों एक्सिस बैंक का यहाँ पे जो एयरटेल का क्रेडिट कार्ड है उसको आप यूज कर सकते हो, साथ में अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आप इन्फॉर्मेशन समझ पाएंगे। वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। आज के दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।